जय जोहार, नमस्कार। हेलो दोस्तों, मैं सी एस देवी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज है दोस्तों 2 जुलाई 2022, और हम लोग आज और कल का जो है करंट अफेयर को देखेंगे। वीडियो को दोस्तों कंप्लीट देखिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में चर्चित छत्तीसगढ़ के किन जनजातियों के द्वारा किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा घर या रसोई को छू देने भर से पूरा घर तोड़कर फिर से बनाया जाता है? तो कौन से जनजाति दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन है ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही आंसर है, भुंजिया जनजाति। देखिए दोस्तों कि गरियाबंद जिले के भुंजिया जनजाति के लोग अपनी परंपरा को आज भी सहेजे हुए हैं, और ये है दोस्तों कि भुंजिया जनजाति की ये आदिवासी किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा घर या रसोई को छू देने भर से पूरा घर तोड़कर दोस्तों फिर से बनाते हैं, और मान्यता है कि दोस्तों इससे घर जो है अपवित्र हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों भुंजिया जनजाति, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, हाल ही में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कारोबार सुगमता की रैंकिंग के अनुसार दोस्तों टॉप अचीवर्स राज्यों में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? यहाँ पर ऑप्शन है देखिए ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही आंसर है, आंध्र प्रदेश। देखिए इसके संबंध में विशेष, देखिए कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज और इंटरनल ट्रेड विभाग द्वारा दोस्तों हाल ही में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कारोबार सुगमता, हिंदी में है दोस्तों, नाम याद रखिएगा, इसमें रैंकिंग जारी कर दी है। और इस लिस्ट में दोस्तों टॉप अचीवर्स यानी सबसे सफल राज्यों में दोस्तों आंध्र प्रदेश एक बार फिर पहले स्थान पर टॉप पर रहा है। और यह दोस्तों कि इस लिस्ट में गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना और तमिलनाडु टॉप 7 में शामिल है, याद रखिएगा दोस्तों। और इसी श्रेणी में है दोस्तों, देखिए छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी है। देखिए इस प्रश्न को, हाल ही में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वही कारोबार सुगमता की रैंकिंग के अनुसार छत्तीसगढ़ को किस श्रेणी में रखा गया है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ऑप्शन है ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही आंसर है, आकांक्षी, देखिए एस्पायर। तो देखिए दोस्तों कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कारोबार सुगमता की जो है इसी रैंकिंग के अनुसार आकांक्षी, जिसमें दोस्तों एस्पायर, ठीक है, इस श्रेणी में दोस्तों देखिए असम हो गया, है ना, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, केरल, राजस्थान और पश्चिम बंगाल है। और ये है कि दोस्तों केंद्र सरकार उन्हें आकांक्षी राज्य मानते हैं जिसमें विकास और प्रगति जरूरी भी है, और ऐसे राज्यों में दोस्तों इनकी संभावनाएं भी बनी हुई हैं। और वहीं दोस्तों हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश को दोस्तों लक्ष्य हासिल करने वाले अचीवर्स यानी दोस्तों सफल राज्य वाली श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए दोस्तों नीति आयोग द्वारा महिला सशक्तिकरण में छत्तीसगढ़ के किस जिले को अग्रणीय जिलों में शामिल किया गया है? ऑप्शन देखिए दोस्तों यहाँ पर ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही आंसर है, राजनांदगांव। देखिए कि दोस्तों महिला सशक्तिकरण और उनकी बेहतरी के लिहाज से दोस्तों नीति आयोग ने राजनांदगांव को देश के श्रेष्ठ आकांक्षी जिलों में शामिल किया गया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दोस्तों इस सफलता के पीछे की कहानी जानने के लिए कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा को दोस्तों प्रस्तुति देने के लिए रांची बुलाया गया है। और ये है दोस्तों कि प्रस्तुत स्लाइड में नांदगांव जिले में महिला सशक्तिकरण की दिशा के लिए दोस्तों किए गए कार्य पर फोकस रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। ये है, देखिए हाल ही में जारी शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में स्कूल एजुकेशन के मामले में कौन सा जिला सर्वश्रेष्ठ है? यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों देखिएगा ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही आंसर है, सरगुजा। देखिए कि हाल ही में जारी शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों छत्तीसगढ़ में स्कूल एजुकेशन के मामले में सरगुजा जिला जो है अति उत्तम है दोस्तों, जबकि रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी, महासमुंद समेत 17 अन्य जिलों में दोस्तों शिक्षा का स्तर दोस्तों उत्तम माना है। और ये है कि दोस्तों 2019-20 में प्रदेश के 17 जिले 2018-19 की अपनी ग्रेडिंग से दोस्तों नीचे खिसक गए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने दोस्तों 9 श्रेणियों में यह रिपोर्ट तैयार की है, और इसमें दोस्तों पहली श्रेणी में दोस्तों दक्ष श्रेणी, इसके अलावा उत्कर्ष, अति उत्तम, उत्तम, प्रचेष्टा, आकांक्षी जैसे दोस्तों श्रेणी ये है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से किस जिले में छत्तीसगढ़ महतारी की पहली प्रतिमा बनाई गई है? ऑप्शन देखिए दोस्तों ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही आंसर है, रायपुर। देखिए दोस्तों की राजधानी रायपुर के रामनगर इलाके में 30 लाख की लागत से दोस्तों छत्तीसगढ़ महतारी की जो है प्रतिमा बनाई गई है। और छत्तीसगढ़ी में दोस्तों याद रखना है कि माता को जो है महतारी कहा जाता है। और ये है दोस्तों कि देखिए ये छत्तीसगढ़ महतारी की दोस्तों शहर के किसी भी चौक में बनाई जा रही ये पहली प्रतिमा है, और परिसर में दोस्तों धौलपुर के पत्थरों पर नक्काशी करी से तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ी माता की जो है प्रतिमा के अलावा दोस्तों 4 जो है स्टैचू के जरिए आमजन भी बनाए जा रहे हैं। और आपको याद रखना है दोस्तों कि अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दोस्तों छत्तीसगढ़ महतारी की जो है तस्वीर को सभी सरकारी कार्यालयों में रखना जो है अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये है, देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर्स डे के अवसर पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन देखिए दोस्तों यहाँ पर ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही आंसर है उपरोक्त सभी। देखिए कि डॉक्टर्स डे के अवसर पर दोस्तों मुख्यमंत्री ने कोविड संक्रमण के दौरान लोगों की सेवा करने के लिए दोस्तों 9 सामाजिक संस्थानों को जो है सम्मानित किया गया है। और ये है कि दोस्तों कि इसी मौके पर IMA की तरफ से डॉक्टर AR भल्ला, डॉक्टर ललित शाह और डॉक्टर विनय माखीजा को चिकित्सा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए कौन से पदक जीता है। देखिए दोस्तों ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है दोस्तों रजत। देखिए दोस्तों कि नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल पर दोस्तों कब्जा जमाया है। उन्होंने इसी के साथ दोस्तों पिछले 15 दिनों में दूसरी बार अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और यह है कि वहीं ग्रेडियन एंडरसन पीटरसन ने दोस्तों 90.31 मीटर, ठीक है, 90.31 मीटर दूर भाला फेंक कर गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है। देखिएगा, निम्नलिखित में से किस विधानसभा क्षेत्र में आलू के लिए कोल्ड स्टोरेज व टाऊ प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों, इसका जवाब दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। और आपका जो सपोर्ट मिल रहा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और शेयर करना है तो कर दीजिएगा दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।